यूएन सुरक्षा परिषद में छठी स्थायी कुर्सी भारत की पक्की। G20 में शामिल देशों और नेताओं ने की पैरवी। वीटो पावर के लिए भारत बना मजबूत दावेदार। दुनिया साथ खड़ी सिर्फ चीन का अड़ंगा। आखिर चीन को क्यों सता रहा है यूएनएससी में छठी कुर्सी का डर। India makes its contributions to the world felt in many, many ways. So, very objectively, we think we are a deserving candidate. This is not just about India. You know, all of Latin America is not represented in the UN Security Council. All of Africa is not represented in the UN Security Council. UN's credibility actually has come under challenge because it doesn't command the representation which makes it as credible as it should. भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने डंके की चोट पर ये बात इसी साल अप्रैल में कही थी कि भारत जल्द ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन जाएगा, क्योंकि पश्चिमी देश भारत के लिए अपने दरवाजे ज्यादा वक्त तक बंद नहीं रख सकते। अब उनकी ये बात मानो सच होती दिख रही है। भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन और नई दिल्ली डिक्लेरेशन को सभी की सहमति से मंजूरी के बाद दुनिया के ज्यादातर देश भारत को यूएनएससी की स्थायी कुर्सी पर देखना चाहते हैं। भागते हुए पीएम मोदी ने एक बार फिर मजबूती से यूएन बॉडीज में सुधार और यूएनएससी में स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। पीएम ने साफ संदेश दिया कि भारत यूएनएससी की छठी स्थायी कुर्सी के लिए मजबूत दावेदार है। पीएम मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति ने यूएनएससी के विस्तार और सुधारों पर जोर दिया। पीएम मोदी ने जब G20 की अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा को सौंपी, इस दौरान उन्होंने संयुक्त राष्ट्र परिषद की भौगोलिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए इसकी स्थायी सदस्यता में सुधार और विस्तार का भी आह्वान किया। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी स्थायी सीट को लेकर पीएम मोदी और भारत का समर्थन किया। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा है कि अमेरिका ने साल 2028-29 में यूएनएससी की अस्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी का स्वागत किया। यहां तक कि पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाने वाला तुर्की भी इस बार यूएनएससी की स्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन कर रहा है। तुर्की राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने यूएनएससी में भारत की स्थायी सीट की वकालत की। उन्होंने कहा है कि अगर भारत जैसा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनता है तो उनके देश को गर्व होगा। ऐसे में आपको सबसे पहले बताते हैं कि यूएनएससी है क्या और इसका कार्य क्या होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख हिस्सों में से यूएनएससी एक है। यूएनएससी का गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसका मुख्य कार्य दुनिया भर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ में नए सदस्यों को जोड़ना और इसके चार्टर में बदलाव करने से जुड़ा काम भी सुरक्षा परिषद ही करती है। अगर किसी देश में मिलिट्री एक्शन की जरूरत होती है तो सुरक्षा परिषद रेजोल्यूशन के जरिए उसे लागू करती है। भारत इसके मूल संस्थापक सदस्यों में से एक है, यानी जिन देशों ने संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे उनमें भारत भी शामिल था। उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 देशों को स्थायी सदस्यता प्रदान की गई थी। इनमें चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका है। इन 5 देशों को वीटो पावर हासिल है। वीटो पावर का मतलब है कि यूएनएससी में स्थायी सदस्यों के फैसले से अगर कोई एक सदस्य सहमत नहीं है तो वीटो पावर का इस्तेमाल कर उस फैसले को रोक सकता है, यानी 5 स्थायी सदस्यों की सहमति जरूरी है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएन की सबसे ताकतवर बॉडी मानी जाती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कोई भी प्रस्ताव पारित करने के लिए सभी स्थायी देशों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन का समर्थन जरूरी है। अगर किसी भी प्रस्ताव पर एक भी देश असहमत रहता है तो यह अटक जाता है। इसी को वीटो पावर कहा जाता है। अगर भारत को भी यूएनएससी में स्थायी सदस्यता मिलती है तो भारत भी वीटो पावर देशों में शामिल हो जाएगा। ऐसे में यूएनएससी में चीन की स्थिति कमजोर हो सकती है। बता दें कि यूएनएससी के स्थायी सदस्यों में रूस और चीन की ही ज्यादा बनती है। ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस को एक साथ देखा जाता है। रूस के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। ऐसे में भारत के आ जाने से चीन अलग थलग पड़ता नजर ही आएगा और यूएनएससी में भारत की पकड़ सबसे ज्यादा मजबूत मानी जाएगी। भारत के इसी रुतबे से चीन को डर लगता है और वो भारत की स्थायी सदस्यता में रोड़ा अटका देता है। चीन अलग अलग बहानों से भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध करता रहा है।
हालांकि विडंबना देखिए, यूएनएससी में चीन के परमानेंट मेंबर बनने का समर्थन भारत ने ही किया था। पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।